हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट को समझा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा, वेलोसिटी और स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझा। और अब इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम समझेंगे। तो अब ये एक्सेलरेशन होता क्या है और इससे मिलता जुलता वर्ड देखो, एक्सेलरेशन, इससे मिलता जुलता वर्ड हमने कहीं पर सुना है क्या? बिल्कुल सुना है हमने। हमने सुना है एक वर्ड एक्सेलरेटर, ये वर्ड सुना है हमने। कहां सुना है हमने ये वर्ड? ये वर्ड हमने सुना है अपने बाइक में, स्कूटर में और कार में या किसी व्हीकल में हम एक्सेलरेटर वर्ड को सुने हुए हैं। क्या काम होता है? जब हमें इस व्हीकल की स्पीड को चेंज करना होता है तब हम एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्पीड बढ़ानी है या स्पीड को कम करना है तब हम इस वर्ड को यूज करते हैं। ये वर्ड मोर और लेस इसी से आया हुआ है, एक्सेलरेशन से ही आया हुआ है। अब क्या होता है ये एक्सेलरेटर? एक्सेलरेटर का काम है स्पीड को चेंज करना, चेंज इन स्पीड या हम कहें चेंज इन वेलोसिटी। सो एक्सेलरेटर भी आता है, एक्सेलरेशन भी आता है तब जब वहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो पहले इसको डेफिनेशन से समझ लेते हैं, फिर चलते हैं कि ये क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेटर, एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। दोनों एक ही बात है, दोनों में से कोई सा भी हम ले सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या इन यूनिट टाइम। फिजिक्स में हमारे पास ये रेट वर्ड अगर आ रहा है, अगर कहीं पर भी आ रहा है, इसका मतलब है बात इन यूनिट टाइम की हो रही है, अपॉन टी या बाय टी करके हम वहां से इसको फाइंड करेंगे। अभी देखते हैं कैसे। नाउ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी में जब चेंज हो रहा होगा तभी ये एक्सेलरेशन आएगा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा होगा और कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहेगी थ्रू आउट तब एक्सेलरेशन नहीं होगा। आप सोच सकते हो, एनालॉजी कर सकते हो कि जब हम बाइक चला रहे हो या स्कूटर चला रहे हैं, जब हमें स्पीड को चेंज करना होता है तभी हम एक्सेलरेटर का यूज करते हैं। और अगर हमें स्पीड सेम रखनी है तो क्या हम एक्सेलरेटर ऐसे घुमाएंगे? नहीं, नहीं घुमाएंगे। जब स्पीड या वेलोसिटी को चेंज करना होता है तभी एक्सेलरेशन आता है। सेम वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो होता है, वहां एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, दैट इज जीरो। अब देखो यहां पर चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी लिखा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी चेंज होने के दो तरीके हैं, या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। दोनों में से कुछ भी चेंज होगा वेलोसिटी बदल जाएगी। या तो मैग्नीट्यूड हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरी स्कूटर 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है बाइक, अब थोड़ी देर बाद कुछ सेकंड्स बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई 10 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। पहले चल रही थी 5 मीटर पर सेकंड से, अब चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो यहां पर डेफिनेटली एक्सेलरेशन का रोल आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अगर वेलोसिटी तो मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन यहां इसकी डायरेक्शन बदल रही है, पहले ऐसे चल रहा था फिर ऐसे चल रहा है, डायरेक्शन बदल गई मतलब वेलोसिटी बदल गई, वेलोसिटी बदल गई मतलब एक्सेलरेशन अब आएगा। जहां भी वेलोसिटी में चेंज होगा वहां एक्सेलरेशन आएगा। पहले हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड में चेंजेस आने से क्या होगा, और इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे कि डायरेक्शन में चेंज आएगा
तब कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं। दोनों चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखते हैं मैग्नीट्यूड को, कैसे चेंज होने से एक्सेलरेशन में क्या इफेक्ट्स आते हैं, किस तरह से बनता है। चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अब चेंज का क्या मतलब है? अब हमने जैसे आपको एग्जांपल में दिया, कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम टी बाद, कोई भी टाइम टी, टी सेकंड्स के बाद ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, तो यहां इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है इन टाइम टी, कोई टाइम टी में। तब यहां पर एक्सेलरेशन, बिल्कुल एक्सेलरेशन का रोल आएगा क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है। अब देखिए यहां पर ये पहली इनिशियली शुरू शुरू में ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, थोड़े टाइम बाद बदल गया, तो जो पहले चल रहा होता है उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और जो बाद में हो जाता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं स्मॉल यू से और फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं स्मॉल वी से। तो अब देखिए यहां पर पूछा है चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे स्मॉल ए से। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा चेंज होने में, दैट इज एक्सेलरेशन। अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी चेंज आएगा वर्ड फिजिक्स में, हमें कहीं पर भी चेंज मिलेगा, तो अब वहां पर चेंज में हम लिखेंगे ऑलवेज चेंज, कभी कैसे होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। कभी भी आप देखोगे तो इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल नहीं कर देना है। चेंज का मतलब है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। किसकी फाइनल वैल्यू इस केस में? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज में हमेशा हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन टाइम, ये तो चल ही रहा था वहां पर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां देखो फाइनल वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं? वी से, स्मॉल वी से। फाइनल वेलोसिटी स्मॉल वी, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू और टाइम आया स्मॉल टी। एक्सेलरेशन को लिखा हमने ए, तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन आ गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की? तो यहां देखो ऊपर में वेलोसिटी है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टाइम है, तो यूनिट भी ऐसी बनेगी, न्यूमरेटर में वेलोसिटी की यूनिट आएगी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर बाय सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है ऐसा यूनिट दैट इज सेकंड। इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे, सो इट विल बी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। सो ये हो गई यूनिट एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे पॉजिटिव होगा? अगर एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो रहा है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तब उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसको अभी हम समझेंगे कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है देन इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर वो वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में है देन इट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके अलावा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर जो है पूरे मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, तब हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू बदलती जा रही है तब हम बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हमारे क्वेश्चंस में, हमारे सिलेबस में अभी तक सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन ही हमें मिलने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा।
ठीक है। चलो तो कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बनाएंगे, उससे हमको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ उस एग्जाम्पल के से हम सीखेंगे कि रिटार्डेशन किसको बोलते हैं और डीएसिलेशन क्या होता है, उसको भी हम समझेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 meters per second इन 30 seconds। यहां पर बहुत अच्छा चीज आपको समझ में आना है, इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 meters per second इन नेक्स्ट 5 seconds। कैलकुलेट एक्सिलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में हमें एक्सिलरेशन बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं पहले क्या बोल रहा है और उसमें क्या गिवन है उसको हमें ध्यान से समझ लेना है। तो ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन, यहां देख लीजिए स्टेशनरी पोजिशन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन, कोई चीज बिल्कुल स्टेशनरी है मतलब रुकी हुई है, रुकी हुई है। तो हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी स्टेशनरी पोजिशन आएगा या स्टैंडिंग पोजीशन आएगा या कोई चीज रेस्ट में होगी। देखो कोई चीज अगर रुकी हुई है तो यहां ध्यान देना, कोई चीज अगर रेस्ट में है, कोई चीज स्टैंडिंग पोजीशन में है या कोई चीज स्टेशनरी पोजीशन में है, तो वो जब भी कोई चीज रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्या आप सोच सकते हो, बता सकते हो कि वेलोसिटी, कोई चीज अगर स्टैंडिंग पोजिशन में है, रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्या कहोगे, वेलोसिटी कौन सी होगी, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो होगी, क्योंकि कोई चीज चल ही नहीं रही है, मोशन में ही रही है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो वेलोसिटी जीरो होगी। अब कौन सी वेलोसिटी जीरो है, यह चीज हमें क्वेश्चन में बताया लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी दो होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी एक फाइनल वेलोसिटी। अब कौन सी वेलोसिटी यहां जीरो है, हर क्वेश्चन में अलग अलग आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, मतलब स्टार्ट हो रहा है कहां से, स्टार्ट हो रहा है स्टेशनरी पोजीशन से, रुकी हुई पोजीशन से ही स्टार्ट हो रहा है। तो यहां देखो रुकी हुई पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी। रुकी हुई पोजीशन में था, उसने पैडल मारना शुरू किया राहुल ने, और 30 सेकंड बाद 6 meters per second की वेलोसिटी आ गई, 30 सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकंड आई। तो फाइनल वेलोसिटी, बाद वाली जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकंड आ गई, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन पहले जब साइकिल शुरुआत में थी तब क्या वेलोसिटी थी उसकी, तब तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में थी, स्टेशनरी पोजीशन में थी, तो उसकी वेलोसिटी थी 0 meters per second। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं यू से, यू इज इक्वल टू जीरो, और जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी को हम लिखेंगे वी इज इक्वल टू 6 meters per second। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, यू की वैल्यू क्या दी है, वी की वैल्यू क्या दी है, और जीरो से 6 meters आने में, 6 meters per second आने में कितना टाइम लगा है, टाइम लगा है 30 seconds, 30 seconds, टी हमें दिया है, टाइम को लिखते हैं हम स्मॉल टी से। अब आपको इस केस में एक्सेलरेशन बताना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। नाउ ए इज इक्वल टू फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस क्या हुआ, फर्स्ट केस में ये वैल्यूज हैं। नाउ ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यहां देखो वी की वैल्यू है 6 माइनस यू की वैल्यू है 0 अपॉन टी की वैल्यू है 30, सब कुछ ऐसा यूनिट में ही दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी हुई है, टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करना है इसको, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 और नीचे रह गया 30, इसको सॉल्व करेंगे 1/5 meters, यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको थोड़ा पॉइंट्स में लिखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, इट विल बी 0.2 meters per second square। ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन यहां पर आ रहा है पहले केस में, ठीक। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, देन यहां तक पहुंच गए पहले, उसने अपनी पैडल मारे, स्टेशनरी साइकिल खड़ी हुई थी, उसने पैडल मारना शुरू किया, साइकिल चल गई, 30 सेकंड बाद 6 मीटर पर सेकंड आ गए।
जब 6 मीटर पर सेकेंड पहुंच गया देन ही अप्लाइज ब्रेक, उसके बाद उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी साइकिल, वेलोसिटी कम हो जाएगी। और यहां हुआ भी, देखिए उसने ब्रेक लगाया कि वेलोसिटी कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी अगले 5 सेकेंड में, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो सेकेंड केस में अब क्या होने लगा, फर्स्ट केस का तो आंसर मिल गया, सेकेंड केस में क्या हुआ, ध्यान देना, पहले जब सेकेंड केस शुरू हुआ तो साइकिल 6 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, तब उसने ब्रेक लगाया तो बाद में 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो अब सेकेंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और टाइम कितना होगा, तो भाई इनिशियली साइकिल चल रही थी जब सेकेंड केस शुरू हुआ तो साइकिल चल रही थी, कितनी स्पीड से चल रही थी, 6 मीटर पर सेकेंड, और बाद में ब्रेक लगाने के बाद साइकिल हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी पहले चल रही थी 6 मीटर पर सेकेंड से। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, इनिशियल वेलोसिटी को अब यहां से नहीं लेना है क्योंकि ये पहले केस का बात थी, तब ऐसा हो रहा था। सेकेंड केस शुरू होते समय 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ चुकी थी, बाद में 4 मीटर पर सेकेंड हुई है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में ये चीज को बिल्कुल ध्यान देना, टाइम लगा है 5 सेकेंड्स और आपके पास फॉर्मूला है एक्सेलरेशन सेकेंड केस में क्या होगा। सो दैट इज अगेन वी माइनस यू बाई टी, सेकेंड केस का वी है 4, यू है 6, टाइम है 5 सेकेंड्स। सॉल्व करेंगे इसको, इट विल बी इक्वल टू -2/5 m/s². आंसर माइनस में आ रहा है, ध्यान देंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी आएगा, आ सकता है। इसको थोड़ा ठीक से सॉल्व करेंगे, इट विल बी -0.4 m/s². दिस विल बी दी फाइनल आंसर। ध्यान रखेंगे जब एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, इस बात को हम कहते हैं कि उसका रिटार्डेशन, यहां एक नया वर्ड आपके पास आ रहा है, दैट इज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन या डेसिलरेशन। ये दोनों चीज अगर आपके पास आ रही है, इसका मतलब है ये बोल रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। जब भी एक्सेलरेशन बोलेंगे, अगर इस केस में हम एक्सेलरेशन बोलेंगे तो बोलेंगे एक्सेलरेशन इज -0.4 m/s². इसी बात को अगर हमें रिटार्डेशन या डेसिलरेशन की टर्म में बोलना है तो हम बोलेंगे डेसिलरेशन या रिटार्डेशन इज 0.4 m², क्योंकि रिटार्डेशन बोलते ही वो ऑटोमेटिक मतलब आता है कि ये वैल्यू माइनस में आ रही है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव हो रहा है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। कहीं किसी क्वेश्चन में हमें रिटार्डेशन दिया होगा, जैसे दिया रिटार्डेशन इज 2 m/s², तो वहां हम जब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू -2 m/s², क्योंकि रिटार्डेशन कहा गया है, एक्सेलरेशन डिक्रीज, वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसीलिए। इसी तरह से अगर डेसिलरेशन इज 2 m/s² लिखा है तो जब फॉर्मूले में लिखेंगे तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू -2 m/s², ये वर्ड्स के साथ हम ऑटोमेटिकली a में माइनस वैल्यू लगाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। देखो हमने अभी तक पढ़ा था डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं और टाइम के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सब के बारे में एक खास रिलेशन है, डिस्टेंस स्पीड और टाइम के बारे में एक रिलेशन है, उसको समझ लेते हैं। उसको याद रखने का भी एक टेक्निक है जिसको हम यहां पर पढ़ेंगे, दैट टेक्निक इज DST ट्राइंगल। अगर डिस्टेंस को हम डी से लिखेंगे, स्पीड को एस से लिखेंगे, टाइम को टी से लिख रहे हैं यहां इसको इसमें, तो ये ट्राइंगल बनाया हमने और ट्राइंगल को कुछ इस तरह से लिखा है, दैट इज DST ट्राइंगल। इस तरह से हम डिस्टेंस स्पीड और टाइम के रिलेशन को आराम से समझ सकते हैं।
अगर इस केस में आपको पूछा जाए व्हाट इज स्पीड, तो यहां आप क्या करोगे, स्पीड यहां पर एस को छुपा लेंगे, हाइड कर लेंगे. नाउ स्पीड इज इक्वल टू डी ओवर टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां पर लिख सकते हो डी अपॉन टी लिखा है, दैट मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसी तरह से अगर आपको पूछेगा कि टाइम का क्या रिलेशन है, सारे एक ही फॉर्मूले से बन के आए हैं, फिर भी अगर आपको याद करना है सो दैट इज टाइम क्या होगा, तो टाइम को छुपा लेंगे, क्या बन के आया ये डी अपॉन एस, तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड डी बाई एस. और अगर आपसे किसी ने पूछा डिस्टेंस क्या होगा इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टाइम, तो डी को हाइड कर लेंगे, इट विल बी एस और टी, देखो बराबर बराबर में लिखे हैं, बगल बगल में लिखे हैं, इट विल बी स्पीड इनटू टाइम. तो यहां से हम ये तीनों फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार ये कई जगहों पर ये रिलेशन हमारे काम आता है. तो दैट इज डी एस टी ट्राइंगल को ध्यान से समझेंगे. इस ट्राइंगल को फिर से हम यूज करेंगे जब हम ग्राफ को समझने जाएंगे. अब हम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं और ग्राफ में ये डी एस टी ट्राइंगल किस तरह से काम आएगा उसको वहां हम समझेंगे. तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये कैसे बनता है, क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कैसे बनता है और इसका यूज कहां आएगा, क्वेश्चन में हम इसे कहां यूज करेंगे, क्या चीज फाइंड करने के लिए ये काम आने वाला है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस इज ए ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, कहीं का डिस्टेंस होगा और टाइम का, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको शो करने वाला ग्राफ जो है वो कहलाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब यहां पर जो एक्स एक्सिस है वो आएगी टाइम, वहां पर हमने टाइम लिखा हुआ है, और जो वाई एक्सिस है वहां पर हमने डिस्टेंस बनाया हुआ है. टाइम को एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में डिस्टेंस को शो किया हुआ है. एक एग्जांपल से देख लेते हैं, ये देखिए ये हमें टाइम दिख रहा है और ये टाइम्स हैं इन सेकंड्स, फॉर एग्जांपल ये टाइम हमने सेकंड्स में लिए हुए हैं, और यहां पर हमें कुछ डिस्टेंस दिख रहे हैं, इन डिस्टेंस को भी हमने मीटर में लिया हुआ है, इन मीटर, दैट इज 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर 50 मीटर, एग्जाम्पल के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया है. अब यहां पर हमें कितने सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है कोई ऑब्जेक्ट, वो चीज यहां पर हमें शो करनी है. फॉर एक क्वेश्चन में देख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टाइम कितना लगाया है उसका एक टेबल बना लेते हैं. टाइम और डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है उसका एक टेबल बना लेते हैं. सो 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड एंड 50 सेकेंड में, यहां पर 10 मीटर कवर किया, 20 30 40 50 मीटर्स कवर किया हुआ है, ये दिखा रहा है. टाइम को सेकेंड्स में दिया है, 10 मीटर्स में 10 मिनट 10 सेकंड्स में 10 मीटर 20 सेकंड्स में 20 30 में 30 40 में 40 50 50 एक एग्जांपल के लिए ले लिया है, इसको समझ लेते हैं. तो यहां पर देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, टाइम एक्सिस में 10 है और डिस्टेंस में भी 10 दिया है, तो यहां देखो कहां बनेगा ये पॉइंट, इस जगह पर, ये हम सीख चुके हैं मैथ्स में ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे. 20 सेकंड्स में 20 मीटर, तो 20 सेकंड्स में 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, कहां गया ये आ गया इसका पॉइंट. देन आगे चलते हैं, 30 में 30 दिखा रहा है, 30 सेकंड्स में 30 मीटर, ये पॉइंट कहां आएगा, यहां पे आएगा 30 सेकंड्स में 30 मीटर. 40 सेकंड्स में 40 मीटर, ये पॉइंट कहां आने वाला है, आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो बहुत नीट एंड क्लीन स्ट्रेट लाइन बना के ड्रॉ करेंगे तो हमें ये सीधा सीधा दिखाई देगा, और ये 50 में 50 लाइक दिस. ठीक है, अब हमें देखना है कि ये कैसे इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर, मतलब कैसे ड्रॉ करेंगे इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम जो लाइन बनाएंगे, एक लाइन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको अगर हम प्लॉट करते जाएंगे और फिर उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो इस तरह से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं. अगर किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता रहा है, इसको ध्यान रखेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी.
इसी तरह से अगर किसी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आती है तो उसका क्या मतलब होगा, चलो उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई डिस्टेंस 30 मीटर है, यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड्स दिखा रहा है, तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि 10 सेकेंड्स पर कितना डिस्टेंस था, 30 मीटर था। 20 सेकेंड्स पर कितना डिस्टेंस था, तो भी 30 मीटर था। 40 सेकेंड्स पे कितना डिस्टेंस था, तो भी 30 मीटर था। हर जगह पर ये डिस्टेंस सेम शो हो रहा है, हर किसी भी टाइम पर आप देखोगे डिस्टेंस बड़ा उतना ही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। जब कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इस बात मतलब टाइम तो चेंज होते जा रहा है और डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो इस बात का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये ग्राफ बनाया हुआ है वो ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो कभी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टेंस में दिख रही है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लेकिन अगर डिस्टेंस टाइम के साथ साथ डिस्टेंस चेंज होते जा रहा है, 10 सेकंड पे 10 मीटर था, 20 पे 20 हो गया, 30 पे 30 हो गया एंड सो ऑन, तो इसका मतलब समय के साथ साथ डिस्टेंस भी बदलता जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन बन रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। और अगर कुछ कर्व बन रहा है तब कहेंगे वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से चल रही है तो वेलोसिटी नॉन, किसी तरह का कोई कर्व बनता है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वो शो करता है। तो अब देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको क्या फाइंड होने वाला है और हम कैसे उसको फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले याद करते हैं हम डीएसटी ट्राइंगल को, दैट इज डी एस और टी, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम आगे पढ़ेंगे वो दोनों चीजें हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन देती हैं। तो यहां पर देखो डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इस ग्राफ में दिया हुआ है, टाइम भी इस ग्राफ में दिया हुआ है, क्या चीज नहीं दिया हुआ है, वो नहीं दिया है एस यानी स्पीड या वेलोसिटी। तो अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके डी और टी ऑलरेडी दिया है, एस नहीं दिया है, तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का यूज करके हम स्पीड या वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। ध्यान रखेंगे इसको, डी एस और टी के बीच में रिलेशन देता है ये, ठीक है। जैसे डीएसटी हम डिस्टेंस स्पीड और टाइम बोलते हैं, बिल्कुल सेम चीज हम यहां बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड टाइम, वो भी सेम रिलेशन देगा और उस पर्टिकुलर केस में जिस केस में आपको यहां पर वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट दिया हो सेम चीज रहेगा। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में स्पीड बताना है, आखिर हम स्पीड को बताएंगे कैसे, स्पीड तो बताना है लेकिन बताएंगे कैसे उसको सीखते हैं। अब स्पीड बताने के लिए हमें कोई भी दो पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स लेने होंगे। मैंने ये एक पॉइंट ले लिया यहां पर और एक पॉइंट ले लिया है यहां पर, दो पॉइंट्स कहीं पर भी आप ले लीजिए, पूरे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कहीं भी ले लीजिए। अब करना क्या है हमें, ए पॉइंट से हमें एक लाइन ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन या पैरेलल टू वाई एक्सिस कह सकते हैं, और यहां से एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट से पहले पॉइंट से हमें एक लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर और एक लाइन वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करनी है। इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट लिया है वहां से भी हमें एक लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर और एक लाइन वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करनी है। हमें कुछ यहां पर वैल्यूज मिल गई टाइम एक्सिस पर और डिस्टेंस एक्सिस पर। अब इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड मिलती है, ये तो हमने सीख लिया स्पीड या वेलोसिटी मिलती है। स्पीड क्या होगा, स्पीड फाइंड करना है तो इट विल बी डी बाय टी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है, ये हम पहले देख चुके हैं स्पीड डीएसटी ट्राइंगल में रिलेशन में। अब यहां पर देखो
स्पीड बताने के लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या स्पीड थी, क्या वेलोसिटी थी, वो चीज हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं। सो कैसे बताएंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड करना पड़ेगा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना टाइम लगा वो फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस हमें कहां से मिलेगा, डिस्टेंस हमें मिलेगा डिस्टेंस एक्सिस से, और टाइम हमें मिलेगा इस टाइम वाले एक्सिस से, यानी एक्स एक्सिस से। ठीक है, सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो हमने जो यहां से लाइन ड्रॉ करके रखी है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कवर हुआ है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ध्यान से देखना, दोनों पॉइंट्स को हमने पहले एक्स एक्सिस y एक्सिस के ऊपर भी लाए हैं और x एक्सिस के ऊपर भी लाए हैं, डिस्टेंस वाले एक्सिस पे भी लाए हैं, टाइम वाले एक्सिस पे भी लाए हैं। तो यहां इस पॉइंट तक पहुंचने में 20 सेकंड्स लग रहे थे, 10 मीटर डिस्टेंस था। देखो इसको हम यहां पे लाए हैं, इसी तरह से दूसरे पॉइंट को भी हम यहां पर लाए हैं, यहां तक पॉइंट था 40 और डिस्टेंस था 20। अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस लगा, दैट विल बी लाइक दिस, यहां पे दिख रहा है 20 - 10 meters। और इसी तरह से इन दोनों पॉइंट्स के पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम डिफरेंस लग रहा है, तो वो हमें मिलेगा टाइम एक्सिस से। यहां देखो कितना टाइम लग रहा है, 40 - 20, दैट इज 40 - 20 यूनिट सेकंड में दिया हुआ है। सो दैट इज डिस्टेंस इस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम चले 20 - 10 meters, और टाइम हमने लगाया है 40 - 20। टाइम एक्सिस से टाइम मिलेगा, डिस्टेंस वाले एक्सिस से डिस्टेंस मिलेगा। सो यहां देखो 20 - 10 = 10 और 40 - 10 = 20 यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 0.5 meters per second। यहां जो हमें स्पीड मिल रही है या वेलोसिटी मिल रही है, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 meters per second। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी है 0.5 meters per second की वेलोसिटी। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलने हैं। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान देना है, ये जो हमने निकाला है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी चीज को हम कहते हैं स्लोप। यहां पर एक और नया वर्ड आ रहा है आपके पास, स्लोप। स्लोप मतलब इसका कितना इंक्लिनेशन है, उसको स्लोप कहते हैं। हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लिनेशन है उसको स्लोप कहा जाता है। ध्यान देंगे कि अगर कोई भी, ये इस तरह के क्वेश्चन भी हमें मिलेंगे टेस्ट में बेटा, एग्जाम में, कि अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में अगर किसी का लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो उसका स्लोप जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा। अगर कोई लाइन वर्टिकल आ रही है, पूरा वर्टिकल की तरफ है, तो उसका स्लोप मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम स्लोप। और बाकी कोई लाइन जा रही है तो वो इन बिटवीन होंगे, उसके स्लोप इन बिटवीन होंगे। ध्यान देने की बात यह है, यह ध्यान रखिएगा, स्लोप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप जीरो है, कंप्लीट वर्टिकल लाइन है तो स्लोप हाईएस्ट है। अब इन बिटवीन बहुत सारे स्लोप हमें दिखाई देते रहेंगे, क्वेश्चंस भी हमें इस पे बनते रहेंगे। यहां पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में दो मोशन दिखा रहा है। यहां एक वेलोसिटी, एक ये कोई कार है ए और एक ये कार है बी। तो ध्यान देंगे स्टीपनेस किसको बोलते हैं, स्लोप या स्टीपनेस किसको बोलेंगे हम, जितना स्टीप होगा वो, उसकी जो जितना स्टीप होगा, स्टीपनेस का मतलब है वर्टिकल से कितना आएगा, वर्टिकल से। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्टिकल लाइन है, दिस विल बी मैक्सिमम स्टीपनेस है इसकी, है ना, बहुत ज्यादा स्टीप है। तो जिसका स्टीपनेस ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, हाई स्पीड स्टीपनेस, हाई स्पीड। अब इस क्वेश्चन को देखो, कार ए है
और कार बी है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? कार बी की स्टीपनेस, वर्टिकल की तरफ जो ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टीप होता है। तो अब इसकी स्टीपनेस, कार बी वर्टिकल की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल की तरफ कम है, इस कार बी की स्टीपनेस ज्यादा है तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, हाई स्पीड होगी कार बी की। अगर मैं एक और यहां से कार बना दूं, एक और मोशन आपको दिखा दूं, दैट इज सी। अब देखो स्टीपनेस सी की और कम है, सी जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। ए और सी को कंपेयर करेंगे तो किसकी स्टीपनेस ज्यादा है? यस डेफिनेटली ए की स्टीपनेस ज्यादा है। तो फिर ए और सी के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ कार ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार सी, सी के कंपैरिजन में ए की स्पीड ज्यादा होगी और ए के कंपैरिजन में बी की स्पीड और ज्यादा होगी। ठीक है, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या क्या मिला? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें मिला, पहले तो मिला कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप को देखा और स्लोप से हमें पता लगता है कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो ज्यादा स्टीप कर्व बन रहा है उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक,